तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पबजी इंडिया में बैन हो चुका है, यानी कि गवर्नमेंट ने इंडिया में पबजी को बैन कर दिया गया है। साथ में गवर्नमेंट ने 118 एप्लीकेशन को भी इंडिया में बैन किया गया है, जो कि चाइनीज ऐप थी, इसलिए इसको बैन किया गया है इंडिया में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो 118 एप्लीकेशन है उसका नेम क्या है और कौन से है, क्यों इंडिया में बैन किया गया है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर में ये 118 एप्लीकेशन को बैन क्यों किया गया है। तो दोस्तों, इसीलिए क्योंकि ये चाइनीज ऐप थी और गवर्नमेंट ये मानती कि जो चाइनीज एप्लीकेशन है वो इंडिया में ना चले, इसलिए यहाँ पे 118 एप्लीकेशन को, चाइनीज जो ऐप थी उसको बैन किया गया इंडिया में। और इस लिस्ट के अंदर पबजी भी शामिल है, एंड की जो पबजी का जो मेन मोबाइल पे चलता था वो और उसके साथ जो लाइट वर्जन था वो भी इंडिया में बैन किया गया है। और भी बहुत सारे जो बड़ी बड़ी एप्लीकेशन उसको भी यहाँ पे बैन किया गया है इंडिया में। तो यहाँ पे चलिए हमें बात करते हैं कि यहाँ पे ये जो 118 एप्लीकेशन है वो कौन से है। तो यहाँ पे मैं अगर आपको वीडियो में बताने चाहूँगा तो वो बहुत ही टाइम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 118 एप्लीकेशन है, अगर मैं सबका एक एक नाम बोलूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए मैंने मेरी वेबसाइट पे मैंने आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल के अंदर मैंने सारे एक से लेके यहाँ पे 118 तक में सारे एप्लीकेशन का जो नेम है वो डाल दिया है, मतलब मैंने आर्टिकल लिख दिया है। तो इस आर्टिकल का जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप वो सभी एप्लीकेशन का नेम है वो जान सकते हैं कि जो इंडिया में बैन किया गया है 118 एप्लीकेशन। तो ये गवर्नमेंट ने कौन से एप्लीकेशन का एप्लीकेशन बैन किए गए उसका जो लिस्ट है वो आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसका जो लिंक है वहाँ पे मिल जाएगा, तो जाके विजिट जरूर करना और जान लेना कि कौन से वाले एप्लीकेशन इंडिया में बैन किया गया है। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि सबको इसके बारे में पता चल सके। तो आई होप दिस वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना और इस वीडियो को थोड़े से नीचे कमेंट जरूर करना, मैं इसका रिप्लाई दूंगा। और अगर मुझे नए है तो मेरे को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना तो हर आने वाली वीडियो की जानकारी को मिल सके। तो बस फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में।